देखिए खाद्य जाल होता है, एक श्रृंखला होती है, फूड चेन और फूड वेब दोनों में अंतर है। फूड वेब बिल्कुल सीधा होती है, जैसे कि घास है, घास को टिड्डा खाया, टिड्डे को लिजर्ड छिपकली खाया, उसको हाफ खा गया, एक है। जब एक खाद्य फूड चेन में आड़ा की छा कई फूड चेन जुड़ जाती है, वो खाद्य श्रृंखला बन जाता है। और खाद्य श्रृंखला, अब इसी कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी को जो हम कंजर्वेशन करते हैं, जैव विविधता, हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे, आगे टॉपिक है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, इसी बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है इको सिस्टम में? बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? जो भोजन खाद्य श्रृंखला है उसके निर्माण में सहयोग करते हैं इको सिस्टम। ये खाद्य श्रृंखला जितनी ही खाद्य फूड वेब जितना ही जटिल होगा, इकोसिस्टम उतना ही संतुलित अवस्था में होगा। साइड से जुड़ गई है, अब ये देखिए इसको, ये एक मार्ग है ऊर्जा प्रवाह का, एक मार्ग ऊर्जा प्रवाह का, दूसरा मार्ग ऊर्जा प्रवाह का, तीसरा, चौथा, पांचवा, चाहे इधर सीखे चाहे उधर सीखे, इसको पांच रास्ते उपलब्ध है ऊर्जा प्रवाह के। अगर सिर्फ एक ही रास्ता होता, अगर किसी भी इन्फेक्शन होता, अगर ये मर जाता, ये सब ना होते, ये मर जाता, ये हो जाता, प्रभावित नहीं होता फूड चेन। तो खाद्य जाल क्या होता है, क्या करता है, इसको मुख्य उद्देश्य होता है वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना। वैकल्पिक मार्ग ऊर्जा प्रवाह के, ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रण के लिए कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है, ताकि अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंजेस हो तो इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस कर ले। अगर एक ही होता तो कोई तक ये सारे ना हो, ये ना हो, तो ये एक अगर मार्ग रहेगा तो इसमें अगर कोई समस्या आ जाएगी तो ये प्रभावित होगा, उस पर डिपेंड है, बढ़ जाएगा। जब फूड वेब रहता है तो दूसरा मार्ग वैकल्पिक, तीसरा मार्ग, चौथा मार्ग, तो जितने अधिक वैकल्पिक मार्ग होंगे उतने ही ज्यादा ये सुरक्षित रहेगा। फूड चेन का, फूड वेब का ये मतलब होता है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, डायग्राम जरूर है। खाद्य श्रृंखला ये क्या, एक मिनट, और खाद्य फूड श्रृंखला आप लिख चुके थे हेडिंग, फूड चेन लिख चुके थे, वो डायग्राम जो सिंपल वाला बना चुके थे, ठीक है, तो फूड वेब लिखिए। खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सीधा सरल
सीधा सरल और कहते हैं पृथक, पृथक संबंध को दर्शाता है। जो शायद ही कभी होता है, जो शायद ही कभी होता है। पौधे और नदी जो है, चूहा, सांप, बाज, हाँ ये है बिल्कुल सीधा रखा है। ये क्या है? चेन है और वो क्या है? वेब है, जाल है। क्या है? चार है, ये श्रृंखला है। लेकिन इकोसिस्टम में ये शायद ही कभी होता है, रेयर से रेयर में होता है, ये कोई उपलब्ध होता ही नहीं है। ये तो समझने के लिए बताया गया है लेकिन होता ही नहीं है एक तरह से। तो ये लाइन लिखेगा पृथक संबंध को दर्शाता है जो शायद ही कभी होता है, जो शायद ही कभी होता है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अनेक परस्पर संबंधित श्रृंखलाएं होती हैं, अनेक परस्पर संबंधित श्रृंखलाएं होती हैं। देखिए ये श्रृंखला, इसमें एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन, ये तीसरी श्रृंखला, एक दो चौथी श्रृंखला, पांचवी, यानी कि एक फुट वेव में पांच श्रृंखलाएं हैं जो आड़ा तिरछा उसमें जुड़कर जाल बना दे रही हैं। परस्पर संबंधित श्रृंखलाएं होती हैं, अधिकांशतः एक ही जीव एक से अधिक, एक से अधिक श्रृंखलाओं का अंश हो सकता है। एक से अधिक श्रृंखलाओं का अंश हो सकता है। आप देखिए बात जो है कितने श्रृंखलाओं से जुड़ा है, पांच। इसने ये कितनी श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है, पांच। इसने एक से जुड़ा हुआ है, लीजर ये देखिए ग्रासोपर, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, दो श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक ही जीव कई श्रृंखलाओं का अंश या भाग उसका हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। और ये जुड़कर क्या बनाएंगे, फूल वेव बना लेंगे। ये अंश हो सकता है, उदाहरण एक ही पौधा एक ही समय में, एक ही पौधा एक ही समय में अनेक साग भक्षियों का आहार हो सकता है। इसी प्रकार एक साथ बच्ची अनेक मांस भक्षियों का भोजन हो सकता है। देखिए डायग्राम है आपको बना हुआ है, चूहा देखिए एक से अधिक का भोजन है, स्नेक का भी है और बाघ का है, एक से अधिक का भोजन हो सकता है। उसमें देखिए जो ग्रासोपर है टिड्डा, लिजर्ड का भी भोजन हो सकता है और आपका भी भोजन हो सकता है, मांस का भी हो सकता है। दे लाइन आप लेकिन इसी प्रकार एक साथ बच्ची अनेक मांस बच्चियों का भोजन हो सकता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार
भोजन श्रृंखलाओं का, इस प्रकार भोजन श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है खाद्य जाल में, पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि सोलर एनर्जी आ रही है तो समय जा रही भोजन के माध्यम से पोषक तत्व भी जाएंगे। पोषक तत्व कहां जाएंगे, यहां पे जो सॉइल है, सॉइल में से क्या करेंगे, पौधे एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर पोषक तत्व, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फेरस, मैग्नीशियम, सब क्या होता है एब्जॉर्ब करेंगे। ये क्या जाएंगे, पौधे खाएंगे तो इसके साथ ही कैल्शियम इसके अंदर भी मिल जाएगा, ऊर्जा के साथ साथ पोषक तत्व भी हर श्रृंखला में पहुंचेंगे। दोनों चीजों की जरूरत है, ऊर्जा और पोषक तत्वों का स्थानांतरण होगा इस फूड वेब में। ये पोषक तत्वों का क्यों होगा, ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से होगा, जब ऊर्जा प्रवाह होगा उसी के माध्यम से होगा, तो ये हो जाता है आपका फूड वेब बन जाता है। इसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किया जाता है कि जीवों की विविधता, जैविक विविधता जितने ज्यादा रहेगी ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रण के लिए उतने ही अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे और पाचकी तंत्र उतना ही संतुलित अवस्था में रहेगी, जो हमारे लिए बेहतर होगा, जब कर लेगी। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं क्या होता है, हर एक जीव का अपना महत्व होता है, शेर है हमारे लिए उपयोगी डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वे में है, अगर इनडायरेक्ट में कैसे ऐसे हमारे लिए उपयोगी, ऐसा नहीं उसका हम लोग खाल बेचते हैं और खाल की लुंगी पहन बैठते हैं शेर के खाल की, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करता है शाकाहारियों को, शाकाहारियों कंट्रोल नहीं करेगा तो वो वनस्पतियों का विनाश कर देगा, वनस्पतियों का विनाश होगा तो क्या हो जाएगा, उस पर डिपेंडेंट अन्य जीव वो बन जाएंगे, मृदा अपरदन होगा, वाष्पीकरण में कमी आएगी, बाढ़, तमाम सूखा समस्या में नहीं होगी, इकोसिस्टम को सब बैलेंस होता है। और कौन कितने नहीं जानता, पहले पढ़ चुके, प्रकृति बेहतर जानती है, प्रकृति बेहतर जानती है। एक जैविक का मतलब पढ़ चुके क्या हम लोग, बायो एक्युमुलेशन, बायो एक्युमुलेशन जैविक का मतलब पढ़ चुके, नहीं पढ़ा, चलिए जो पढ़ते हैं बायो, जैविक का मतलब बायोमिलेशन, बायोमिलेशन बायोमैग्निफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है, जैविक का मतलब बायोमैग्निफिकेशन, दो अलग अलग शब्द पर अंतर है, बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि कोई ये पौधे हैं लेकिन उसके ऊपर शाकाहारी खाएगा तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी 0.23 ppm, उसके ऊपर जाएंगे 2.0 ppm और सबसे ऊपर जाएगा 13.30.8 ppm, ये हम पढ़ चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है पढ़ चुके हैं तो। हाँ, पार्षिक तत्व ऊर्जा प्रवाह,
एनर्जी फ्लो देखा है तो थोड़ा सा इसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हेडिंग लिख रहा है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इसी ऊर्जा पर आधारित है, समस्त जीवन प्रक्रिया इसी ऊर्जा पर आधारित है। सौर ऊर्जा का प्रभाव एक डीसी होता है, यूनिडायरेक्शनल। सौर ऊर्जा का प्रवाह एक डीसी होता है, इसलिए इसमें फ्लो लिखा हुआ है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पोषक तत्वों के लिए साइकिल सबका उपयोग होगा, साइकिल जो चक्रण करते हैं। यह रेस्पिरेशन है, श्वसन, ये देखिए एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, क्या होता है यूनिडायरेक्शनल, एक दिशी। इसका मतलब होता है ये हुआ है कि ऊर्जा का प्रवाह अगर एक बार होते हुए निकल जाएगा तो ये दोबारा इकोसिस्टम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। एक बार निकलने के बाद वो दोबारा वापस उस सिस्टम को नहीं मिल पाती है। लेकिन जो पोषक तत्वों का चक्कर होता है वो बार बार चक्कर लगाते हैं, यहां से पोषक तत्व ले जाते हैं, यहां पे अपघटन है, डिकम्पोजर इसको कहते हैं, डिकम्पोजर अपघटक, अपघटक। तो इनमें ऊर्जा आती है, जो बची बची ऊर्जा इनमें आती है, फिर ये भी क्या होता है शोषण के माध्यम से शून्य में वापस कर देते हैं। तो दोबारा ये सिस्टम के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, यानी कि इसको विपरीत दिशा में नहीं मोड़ सकते, इस ऊर्जा को आप इस दिशा में नहीं मोड़ सकते, एक दिशा में जाएगी और ऊर्जा अपने सिस्टम के शून्य स्पेस में चली जाएगी। तो ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है, लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं वो बार बार चक्कर लगाते हैं, उनकी साइकिल होती है। एक बार यहां से चला कोई पोषक तत्व तो इनमें होता हुआ समय होता हुआ फिर वही पहुंच जाएगा, फिर यहां से दूसरा चक्र शुरू करेगा। देखिए क्या होती है, साइकिलिंग होती है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, यह नई साइकिल। तो ये साइकिल इसी के माध्यम से चलती रहती है। ये अरे वो इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो दूसरी चीज है, डायग्राम भी बार बार यूज होगा, कंटेंट्स अलग है, एनर्जी फ्लो आगे जो पढ़िए। इसी ऊर्जा क्या होता है, सूर्य ऊर्जा, ऊर्जा का प्रवाह एक डीसी होता है। ये सूर्य यदि सूर्य ऊर्जा देना बंद कर दे, यदि सूर्य ऊर्जा देना बंद कर दे तो पारितंत्र समाप्त हो जाएगा, तो पारितंत्र समाप्त हो जाएगा। प्राथमिक उत्पादक
इसका कई जगह इस डायग्राम को जो देख रहे हैं बार बार यूज होता है, प्राथमिक उत्पादक इसी ऊर्जा को और पोषक तत्वों को लेकर, प्राथमिक उत्पादक इसी सौर ऊर्जा को लेकर और पोषक तत्वों को लेकर आहार ऊर्जा आहार पदार्थ में बदल देते हैं, आहार पदार्थ में बदल देते हैं। जो उनके शरीर में भंडारित हो जाती है, जब शाकाहारी इनको खाते हैं तो ये उनके शरीर में और जब शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं तो यह उनके शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। और इस प्रकार ऊर्जा प्रवाह लगातार बना रहता है। सूर्य से आना शुरू कर विभिन्न जीवों से होते हुए अंतरिक्ष में चला जाता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को चलाती है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को चलाती है। कौन सा ऊर्जा प्रवाह? यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को चलाती है। ऊर्जा के अवशोषण एवं प्रवाह, ऊर्जा के अवशोषण एवं प्रवाह में पोषक तत्वों का परिसंचरण, परिसंचरण ध्यान दिया हम सब में, एनर्जी फ्लो वहां फ्लो सब को प्रवाह, यहां पे परिसंचरण शब्द का प्रयोग हुआ। परिसंचरण की बंद सिस्टम में बार बार चक्कर लगाता है, जैसे पंखा घूमता है तो बार बार घूमते उसका एक पर मार कर दो वही घूम के आएगा। तो परिसंचरण होता है कुछ आधारभूत पोषक तत्व कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल हाइड्रोजन नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम यौगिक कार्बोनेट्स ये आदि ये बनके चलते हैं। जो किसमें का माध्यम चलते हैं इनसे कुछ कार्बोनेट्स यौगिक बन जाते हैं, कंपाउंड्स बन जाते हैं। यौगिक कार्बोनेट्स तथा फास्फोरस जो जीवधारियों के अंश होते हैं पारितंत्र को एक काम करते रहने के लिए आवश्यक है। इसका पारितंत्र के काम करते रहने के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा प्रवाह या पोषक तत्वों का चक्र सदैव बना रहे। पारितंत्र के काम करते रहने के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों का चक्रण सदैव बना रहे।
कि कितना इंपॉर्टेंट है। यह प्रक्रिया किसको चलाती है? जीवन को चलाती है, जीवन को, और उसमें हमारा भी जीवन डिपेंड है। हम भी तो कह सकते हैं मैं या मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी किसी भी टीम में कहीं आएंगे जो हम कहीं फिट कर लेंगे, वहाँ पर ऊंचा फूस आने वाले ही हम से चलते हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी में व्यवधान जब उत्पन्न होता है तो वास्तव की असंतुलन होता है, औसत खामियाजा जीवों को भुगतना पड़ता है। उसका खामियाजा किसमें? जीवन की कीमत से चुकाना पड़ता है। जब श्रृंखला इतना इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेंडर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, वो प्रक्रिया आपके जीवन को चला रही है और वो आपको हटा ली जाए तो आपको किससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? जान देकर चुकानी पड़ेगी इस प्रक्रिया को। तो हम नहीं जान देते हैं लेकिन बहुत सारे जीव होते हैं अपनी कीमत चुकाकर, जब उसमें व्यवधान हो तो अपनी कीमत चुकाते जान देगा, तो ये प्रक्रिया है। इसलिए वो सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। तंत्र आगे की लाइन में देखें, तंत्र के भीतर आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं? कंसेप्ट है तो देखिए नोट तो ले याद कर लेकिन कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर दीजिए, यूपीएससी कंसेप्ट पहली लिखवाती है। तंत्र के भीतर ऊर्जा पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है, और वह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचती है। श्रृंखला के प्रत्येक स्थानांतरण पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होता है यानी कि पहले बता चुके हैं अक्सर इसको अगर 1000 यूनिट है ऊर्जा तो यहां पे जो ट्रांसफर होगी तो हाँ यहाँ पे क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होगा क्योंकि रेस्पिरेशन देखिए थक के रुक जाए, यहाँ पे घंस भी तो कर रहा नीचे भी जा रहा है, तो केवल 10% ऊर्जा यहाँ जाती है, 90% ऊर्जा इसके ग्रोथ में श्वसन में फिर इधर ट्रांसफर हो जाती है अपघटकों में डिकम्पोजर्स में, केवल 10% ऊर्जा यहाँ पहुंचती है। यानी कि 1000 का 10% कितना हुआ? 100 इकाई। इसका 10% क्या हुआ? 10। और यहाँ इसीलिए क्या होता है अब आगे कोई स्तर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और इसीलिए जब ऊर्जा कम हो जाती है इस पोषण स्तर पर बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का प्रगामी ह्रास होता है, यदि तेजी से ह्रास होता है, तो इसीलिए इनको जब ऊर्जा की कमी पड़ जाती है तो ये मांसाहारी के अलावा इससे भी ऊर्जा लेता है और इससे भी लेता है, इसीलिए इसको सर्वाहारी कहते हैं क्योंकि इसको ऊर्जा केवल इससे आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये ऊर्जा इस लेवल से भी प्राप्त करता है, इस लेवल से और इस लेवल से प्राप्त करता है सर्वाहारी जो होता है, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा आ जाते हैं देखिए 1 इकाई बची है जो 1000 की है, तो इसलिए इसको सर्वाहारी कहते हैं क्योंकि जो सर्वर टॉप पे होता है उसके लिए ऊर्जा अपने ठीक नीचे वाली श्रृंखला में से इतनी नहीं प्राप्त हो पाती है कि उसका जीवन चल सके, फिर वो दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, ट्रैफिक लेवल नीचे की तरफ आता है। देखिए तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण का एक व्यवस्थित अनुक्रम होता है, व्यवस्थित अनुक्रम होता है, यह ऊष्मा गति के दो नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, उष्मा गति के दो नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। प्रथम नियम क्या है उष्मा गति का? उष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रथम नियम के अनुसार
ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा को ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। सौर ऊर्जा यहां का है तो सौर ऊर्जा ऊष्मा और भोजन में बदल जाती है। सौर ऊर्जा ऊष्मा और भोजन में सौर जब भोजन और ऊष्मा में बदल जाती है। ये जो विद्युत ऊर्जा होती है आपके पंखे में आती है, जो पंखा चलता है आपका, तो क्या जितनी ऊर्जा आती है उसके सब यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है? पंखे का चलना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो क्या 100% मैकेनिकल एनर्जी बदल जाती है? कुछ ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है उसको गर्म करने में। देखिए चलते चलते पंखा क्या होता है, उसका मोटर गर्म हो जाता है थोड़ा, तो उसकी कुछ ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नष्ट नहीं हुई जितनी एनर्जी आई, ऊर्जा आई पंखे में, वो सब है नष्ट नहीं हुई है, बल्कि आधा दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, ऊष्मा बदल गई, आधी यांत्रिक ऊर्जा बदल गई। अब ऊष्मा वाली ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा के लिए बेकार है, उससे पंखा चलेगा नहीं, उसके लिए यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। इसी तरह से इस इकोसिस्टम में जो ऊर्जा आती है तो कुछ ऊष्मा बदल जाती है, कुछ ही ऊर्जा आगे जा पाती है। ऊष्मागत की दूसरे नियम देखिए, दूसरा नियम ऊष्मागत के दूसरे नियम के अनुसार, अब ये नहीं पढ़े ना, ये डायग्राम बार बार बनता है, बहुत फेवरेट डायग्राम है। ऊष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक नहीं हो सकता, ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ऊर्जा के किसी केंद्र से उसका ह्रास या विखंडन ना हो। ऊर्जा के किसी केंद्र से उसका ह्रास या विखंडन ना हो, यानी कि इस केंद्र से लेवल से इस लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण तभी होगा जब तक कुछ इसका हानि ना, ह्रास ना हो। ह्रास हुआ कितना? 90% का हो गया, 10% ही जा रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो 100% इलेक्ट्रिसिटी वहां से चलती है, तो मात्र 40% के पंखे में हम यांत्रिक ऊर्जा बदल पाते हैं। 60% एनर्जी होती है वो वायर होता है, वायर के बीच जो आती है एनर्जी उसमें क्षय हो जाता है, उसका विद्युत का क्षय होता है। उनका प्रतिरोध नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो पारेषण होता है, ट्रांसमिशन होता है ऊर्जा का, विद्युत का, तो जहां से ट्रांसमिशन होता है जितनी दूर बिजली को ले जाएंगे उतना ही उसका क्षय होता जाता है। उसी तरह जितनी ही प्राथमिक स्रोत से जितना है दूर जाते हैं ऊर्जा उतनी ही कम होती जाती है, क्योंकि क्षय ज्यादा होता है, प्रगामी ह्रास होता है ऊर्जा का। प्रगामी ह्रास में बढ़ते स्तर के साथ और तेज, अगले स्टेप पर बढ़ा तो और तेज होता है। इस प्रकार पारितंत्र में भोज्य ऊर्जा, भोज्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का उपापचयी मेटाबॉलिज्म, उपापचयी गतिविधियों द्वारा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में क्षय होते हुए, ऊष्मा के रूप में क्षय मतलब ह्रास, क्षय होते हुए अल्प मात्रा में ही
अल्प मात्रा में ही सजीव ऊतकों या जैवभार के रूप में संचित होती है। सामान्यतः सौर विकिरण का पृथ्वी पर सोलर नहीं कितनी आ पाती है 51% क्या नहीं पा पाता है धरातल पर सौर विकिरण का लगभग 51% धरती पा पाता है। तो सौर विकिरण का आधा केवल 50% भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। उत्पादक केवल दिखने वाली ऊर्जा प्रकाश संश्लेषी विकिरण प्रकाश संश्लेषी विकिरण वही अवशोषित कर पाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये जो पौधे आती है सूर्य एनर्जी जो 51% आती है इसका 1 से लेकर 5% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अभी फेवरेबल कंडीशन होता अनुकूल परिस्थितियों में सौरिक ऊर्जा का 1 से लेकर 5% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो पाता है। 1 से लेकर 5% तक ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो पाता है। बाकी का 6 हो जाता है। ये मत समझिए अगर सोलर एनर्जी 100% धरती पा रही है तो मुश्किल से 1 से लेकर 5% तक ही प्रकाश संश्लेषण हो पाता है और वही जीवों को चलाता है, बाकी सब 6 हो जाता है। श्वसन क्रिया ऊर्जा इस्तेमाल करने वाली क्रिया होती है आप जब सांस लेते हैं तो आप खाना खाते कोई भी काम न करें तभी आप ऊर्जा खर्च होती रहती है जो भोजन उनके रूप में लेते हैं। रेस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी से खर्च होती है। पौधे भी सांस लेते हैं तो उसमें देखिए खप जाते हैं इस्तेमाल करने की प्रक्रिया होती है। इसमें 0 से लेकर 0.2 से लेकर 1% तक ऊर्जा खप जाती है और इस प्रकार पौधों में 0.8 से लेकर 4% तक इतना कम हो गई इतना से इतना परसेंट ऊर्जा ही संचित हो पाती है। ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप यानी कि इतनी ऊर्जा जितना भी आता है उसमें कौन सा फोटो जो प्रकाश आता है लाइट प्रकाश ऊर्जा का केवल 1 से लेकर 5% ही पौधे संचित कर पाते हैं। उसमें से कितना खर्च कर देते हैं श्वसन में 0.2 से लेकर 1% का तो बचा कितना 0.8 से लेकर 4% ही इनके अंदर संचित हो पाता है। फिर वही ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है फिर वो भी कहाँ ट्रांसफर होती पूरा फिर ये पौधे सारे सड़गल भी तो जाते हैं जड़ समेत कोई तो खाता नहीं पौधे उखाड़ के कोई
अच्छे हैं, तो कुछ जड़ों में भी ऊर्जा होती है, कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, टहनियां गिर जाती हैं, तो कुछ क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है, नीचे जाके सड़ता है, तो जब सड़ता है तो यहाँ कौन से होते हैं जीव अपघटक डिकम्पोजर्स, उनमें स्थानांतरित हो जाती है ऊर्जा, तो यहाँ पे लिए वही 10% ही बचती है। ऊर्जा प्रवाह प्रति एनर्जी फ्लो पैट मॉडल एडिट करिए, ऊर्जा प्रवाह डालिए, पारितंत्र में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के दो आयाम हैं, ऊर्जा प्रवाह के दो आयाम हैं, पहला ऊर्जा प्रवाह एक डीसी होता है यूनी डायरेक्शनल, ऊर्जा प्रवाह एक डीसी होता है मतलब एक ही दिशा में होता है यूनी डायरेक्शनल, तो टंकी से आपका पानी वाटर सप्लाई आता है, नीचे नल भर के बाथरूम में नहा लेते हैं कि इधर से पानी टंकी भेज देंगे आप, वहां तो पंपिंग सेट स्टेशन होता है वहां चढ़ा देता है, लेकिन आप उल्टी दिशा में नहीं, तो आप नहीं चला सकते वहां, उससे भी पड़ा टंकी से जो तीन चार से बड़ा सिस्टम लगा होता है पंपिंग स्टेशन होता है वो उस पर प्रेशर पहुंचाता है, इसलिए ऊर्जा को पानी को विपरीत दिशा में नहीं चला। और लेकिन क्या लिखा आपने, अपना दिया उत्पादकों से होते हुए एक किसी होता है अर्थात उत्पादकों से होते हुए साग बच्चों एवं मांस बच्चों तक जाता है, इसको विपरीत दिशा में स्थानांतरित नहीं कर सकते, इसको विपरीत दिशा में स्थानांतरित नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं सर्वाहारी को यह खा लेगा, मांसाहारी मनुष्य मनुष्य को यह खा लेगा, यहां सब तो पाएगा लेकिन मांसाहारी को शाकाहारी को खाएगा नहीं, नीलगाय तो मार के शेर को खाएगी नहीं, या नीलगाय खरगोश को खाएगी नहीं भाई खांसी, या पौधे इसको नहीं खाएंगे, तो ये उल्टी दिशा में नहीं जा सकता, एक ही दिशा में जाए ऊर्जा प्रवाह, सब इसके मायने हैं इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, सब इसके मतलब आया गया है, तो विपरीत दिशा में नहीं कर सकते। दूसरा नियम दूसरा आया है दूसरा, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा की मात्रा लिखने के लिए बढ़ती है, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, पौधे सौरिक ऊर्जा का 1-5% की अवशोषित कर पाते हैं, जिसका वह उपापचयी और श्वसन उपापचयी क्रियाओं श्वसन में खर्च करते हैं और साग भक्षियों को केवल 10% की ऊर्जा प्राप्त हो पाती है, साग भक्षी स्वांगीकृत ऊर्जा, स्वांगीकृत निगलना जो निगलते हैं पौधों को, स्वांगीकृत ऊर्जा का श्वसन में उपभोग करते हैं उपयोग करते हैं, ये शोषण में उपभोग करते हैं और स्वांगीकृत ऊर्जा अपघटकों में स्थानांतरित हो जाती है, देखिए और स्वांगीकृत ऊर्जा अपघटकों में स्थानांतरित हो जाती है, अब
स्थानांतरित हो जाती है, इसे मलमूत्र द्वारा मांसाहारियों को शाकाहारी स्तर की स्तर की केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित हो पाती है। शाकाहारी स्तर की केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित हो पाती है। इस प्रकार बढ़ते पोषण स्तरों के साथ श्वसन की दर में तेजी से वृद्धि होती है। औसतन सकल ऊर्जा का 20% उत्पादकों द्वारा 20% उत्पादक द्वारा यानी कि 30% शाकाहारी और 60% मांसाहारियों द्वारा श्वसन में खर्च हो जाता है। क्यों भाई ये बढ़ रहा है? यहाँ 20% 30% या 60% या उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, 90% तक हो जाता है। क्यों होता है ये? अपनी जगह पे स्थिर होते हैं तो चलना फिरना होता नहीं है, इनको चलना फिरना पड़ता है, जीवों को इधर उधर दौड़ना भागना कूदना, तो इसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। आपको कैलोरी बर्न करना क्या करते हैं, पार्क में खूब चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा कम होती है, श्वसन में ऊर्जा खर्च होती है। इनको मांसाहारियों के इनका शिकार करना पड़ता है तो इनको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। और ये तो काले नहीं है शाकाहारी, इसको क्या पूछना, 90% ऊर्जा इनको शाकाहारी में, तो बढ़ते पोषण स्तर अनुसार ऊर्जा का इतना ह्रास हो जाता है कि ऊर्जा इस पोषण स्तर में मात्र 3 या 4 कड़ियाँ ही हो पाती है। उसके आगे ऊर्जा का वांछित स्तर इतना कम हो जाता है कि अगली पोषण स्तर का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ऐसी लाइन मिली गई है क्यों? पहले सवाल पढ़ा लेकर तैयार होगा कहाँ रहा है? आधा घंटा पहले काम उनको लगता है बोलिए बोलिए तो दोनों लोगों को काम है, मतलब बैग भी ले जाए और दोनों हाथ को बाहर साफ दिए जाए हमें काम ही जाएगा जबरदस्ती पाए नहीं सर ज्यादा काम नहीं कोई बात नहीं जाओ काम जरूरी काम करिएगा लिखिए शोषण में खर्च हो जाता है। उच्च पोषण स्तरों पर इनको पता कौन सा काम साथ में जा रहा है ना बंद करो